जिंदाबाद पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। राणा जी आओ भाई, सब लोग आए। ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार प्रेषित है, मैं इसको उचित माध्यम से इनके आज के दिन ये काला दिवस के रूप में जनपद सहारनपुर के लोग इस बात के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो दो साल पहले नोटबंदी का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने हिटलर शाही रूप में लिया था, उसके विरोध में काला दिवस आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी मना रही है। आदरणीय राहुल जी के आह्वान पर, आदरणीय राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद साहब के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आज काला दिवस मनाया जा रहा है। जनपद सहारनपुर के तमाम कांग्रेसी सुबह 11 बजे से जिला कार्यालय पर और अब जिलाधिकारी कार्यालय पर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, और हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि इस अलोकतांत्रिक सरकार ने जो देश के ऊपर नोटबंदी के रूप में एक हिटलर शाही आदेश फरमान जारी किया, वो काला था, वो निंदनीय था। अपने धन को सफेद करने के लिए इन्होंने देश के तमाम किसानों को, तमाम नौजवानों को, तमाम हमारे मजदूर को, तमाम हमारे व्यापारियों को जो कंगाली की राह पर ले जाने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी उसकी भरसक निंदा करती है, भर्सना करती है और कहती है राष्ट्रपति महोदय तुरंत आप संज्ञान लो और ऐसे तमाम काले जो हमारे देश में कानून पास हुए हैं विलंब उनको वापस करने का काम करें। ये हम कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कहना चाहते हैं।